नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा दो पाठ छ घमंडे भारत सिंघा शिक्षा प्रद कहानी। बच्चों, इस कहानी में हम घमंडे भारत सिंघा के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ सीखें। शब्दार्थ रोबीला प्रभावशाली, परवाह फिक्र या चिंता, भद्दी कुरूप, सैर घूमना निहारना एक तक देखते रहना, घमंड अभिमान, उलझना फंसना, परछाई प्रतिबिंब या छवि, सुंदरता खूबसूरती। घमंडी भारत सिंघा। जंगल में एक भारत सिंघा रहता था, नाम था उसका सोना। वह बहुत सुंदर था, उसका बदन सोने की तरह चम चम चमकता था। उसके सिंह तो बहुत ही रूबीले थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा भारत सिंघा जंगल में और कोई नहीं। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह ना थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। बच्चे, इस कहानी में हम देखते हैं कि एक भारत सिंघा था, उसका नाम था सोना, और उसका जो बदन था, जो शरीर था, बहुत सुंदर सोने की तरह चमकता था। उसके सिंह बहुत ही प्रभावशाली थे। वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर, जो बाकी जानवर उसके साथ रहते थे, वे अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे और कहते थे, सोना जैसा भारत सिंघा जंगल में और कोई नहीं। इस तरह सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा और वह किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसको इसकी परवाह ना थी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड होने लगा। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली है। अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रुबीले सिंह झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सिंह टूटकर गिर गए। बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था और तालाब के पानी में वो अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत देर तक निहारता रहा। लेकिन जब वो अपनी टांगों को देखा तो उसको अपनी टांगें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसकी टांगें भद्दी और पतली थी और वह अपनी टांगें किसी और से बदलने के लिए सोचने लगा। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रुबेले सिंह झाड़ियों में फंस गए, उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सिंह टूटकर गिर गए।
सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसके टांगे उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपने टांगों को देखा। आज उसे अपने भद्दे और पतले टांगे बहुत ही प्यारे लग रही थी। अब वो अपने टांगे किसी से नहीं बदलना चाहता था। बच्चों, बारहसिंगा जब अपने सींगों को छुड़ाकर तेज भागा तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा और आज उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी भद्दी और पतली टांगे बहुत ही प्यारी है और अब वो अपनी टांगे किसी से नहीं बदलना चाहता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि गुणों में ही खूबसूरती होती है। वाचन श्रुतिलेख। बच्चों, यह शब्द, इस शब्दों को आप सुनेंगे और लिखेंगे। बारहसिंगा, रुबीला, भद्दी, घमन, परवा, परछाई। सोचिए और बताइए। आपको इस प्रश्न को सोचना है और सोचकर बताना है। क, बारहसिंगा का बदन किसकी तरह चमकता था? उत्तर, बारहसिंगा का बदन सोने की तरह चमकता था। ख, सोना अपनी टांगे किसी और से क्यों बदलना चाहता था? उत्तर, क्योंकि उसकी टांगे भद्दी और पतली थी। बच्चों, अब इसमें देखना है नंबर वन में कि कौन सा वाक्य पहले आता है, इस कहानी में सबसे पहले क्या आया था। ओके, सही क्रम में लिखकर बताइए। तो पहला हम देखते हैं, सोना को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। और दूसरा हम क्या देखते हैं, सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा। तीसरा, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। चौथा, सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए। और पांचवा, सोना को अपनी टांगे प्यारी लग। नंबर दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। क, बारहसिंगा का क्या नाम था? उत्तर, सोना। ख, सोना किस पर घमंड करता था? उत्तर, सुंदरता पर। ग, एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए? उत्तर, शिकारी कुत्ते। घ, सोना को अपनी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? उत्तर, अपनी टांगे। नंबर तीन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सोना की सुंदरता देखकर सभी क्या बोलते थे? उत्तर, सभी कहते थे सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। ख, अंत में सोना को अपनी टांगे क्यों प्यारी लगने लगी? उत्तर, उसकी टांगे उससे बहुत दूर ले जा रही थी। नंबर चार, कौन क्या कहलाता है मिलान करके बताइए। घमंड करने वाला, घमंडी। जंगल में रहने वाला, जंगली। शिकार करने वाला, शिकारी। जादू दिखाने वाला, जादूगर। धन्यवाद।